13 कैरेट एक ऐसा P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको अपने 13% तक रिटर्न्स कमाने का ऑप्शन देता है बाय इन्वेस्टिंग मिनिमम 500 रुपीज लेकर के अप टू 50 लाख रुपीज तक का। ये एक RBI रजिस्टर्ड P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनर्ड कंपनी है, जहाँ खुद से ही अब RBI रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन अगर हम 13 कैरेट इन्वेस्टिंग की बात करें तो ये ओन्ड बाय है स्क्वेरल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है इराइज प्राइवेट टेक्नोलॉजीज की। 13 कैरेट की आज हम इस बार रिव्यू करने वाले हैं इसलिए क्योंकि लास्ट जब हमने रिव्यू किया था तो इसमें कुछ खास क्लैरिटी नहीं देखने को मिली थी, बट 2024 में और थोड़े से अपडेट के साथ काफ़ी फ्लेक्सिबल होकर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलते हुए देखने को मिल रहा है। 13 कैरेट अगेन एक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उन सभी की तरह जो कि आपको अप टू 13% तक का रिटर्न देती है, लेकिन 13 कैरेट में डिफरेंस ये है कि ये दो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करके काम करती है। एक है लैंड बॉक्स एंड दूसरा है रुपी सर्कल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर आपका रिटर्न्स हाई या फिर लो वो उसी बेसिस पर आपको देती है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम एज आई कैन से मिनिमम 500 रुपीज़ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड मैक्स टू मैक्स 50 लाख रुपीज़ तक जा सकते हैं। बट क्या आपका पैसा सेफ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता क्या है आपके पैसे के साथ, ये पहले जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पैसे को ये यूज करते हैं बोरोवर को लेंड करने में, दैट मीन्स कि आपने 13 कैरेट प्लेटफॉर्म को पैसे दिए, अल्टीमेटली आपने इन्वेस्ट किए, ये पैसे जाएंगे एस्क्रो अकाउंट के थ्रू से। एस्क्रो एक ऐसा बॉडी है, RBI रेगुलेटेड बॉडी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखता है कि ये पैसा जो है एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जाए। दैट मीन्स कि एक इन्वेस्टर जो पैसा दे रहा है उस इन्वेस्टर से वो पैसा कुछ लोगों को जाए, ना कि कुछ बड़ी कंपनीज को। इस चीज़ को अच्छे से रेगुलेट करती है एस्क्रो, जो कि RBI रेगुलेटेड कंपनी है। अब यहाँ पर अगर आप लेट गेस 5000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करते हैं तो मैटर करता है कि आप कितना रिटर्न्स चाहते हैं। अगर आप 12% चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 3 मंथ की लॉक इन पीरियड के साथ वेट करना होता है। अगर आप अपने 13% तक का रिटर्न्स चाहते हैं तो 6 मंथ की लॉक इन पीरियड के साथ जो है आप यहाँ पर 13% तक का रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मिनिमम 5000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये एस्क्रो के थ्रू से होते हुए P2P लैंडिंग, जो कि इनके पार्टनर्स है लाइक रुपी सर्कल या फिर लैंड बॉक्स, इन दोनों P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर जो है आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कितना परसेंट कौन से P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म को जाता है, तो यहाँ पर 13 कैरेट की वेबसाइट पर लिटिल बिट लिखा हुआ था किसी कॉर्नर में कि मोस्ट ऑफ द मनी, दैट मीन्स 60-70% जो है आपका पैसा जाता है लैंड बॉक्स के थ्रू से, एंड जो रेस्ट 20-30% रुपीज है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो जाता है रुपी सर्कल P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से। रुपी सर्कल की अगर बात करें तो ये एक ओल्डेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, बट इनका NPA काफ़ी हाई है। जो भी ओल्डेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ और सिर्फ रुपी सर्कल ही नहीं, रुपी सर्कल के अलावा जो भी ओल्डेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है लाइक फेयर सेंट, इवन लैंड बॉक्स, ये सारे ओल्डेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स ना एक समय पर काफ़ी हाई रिटर्न्स देती थी इन्वेस्टर्स को, अप टू 25-30% तक रिटर्न्स। बट वहीं आज के दिन अगर देखें तो काफ़ी इनके रिटर्न्स जो है कम हो गए हैं। सो ओवरऑल अगर देखें तो आप हाई रिस्क हाई रिटर्न्स के साथ बिल्कुल ना जाएं, लो रिटर्न हो लोवेस्ट रिस्क के साथ जाएं तो वो काफ़ी बेटर होता है। P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स में लो रिस्क लो रिटर्न का मतलब होता है मिनिमम 11-12% का रिटर्न। 13 कैरेट में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट आपको मंथली बेसिस पर क्रेडिट होता है। अदर P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर जो आपको डेली इंटरेस्ट देखने को मिलता है वैसे आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर मंथली। इसके अलावा आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट को अगर आप चाहते हैं कि ऑटो इन्वेस्ट हो जाए, दैट मीन्स कि एक प्रकार से आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिले, तो ये पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर है। बट हर एक मैच्योरिटी पीरियड की बात, जैसे अगर आप 3 मंथ के लिए या फिर 6 मंथ के लिए लॉक इन रखते हैं तो 6 मंथ के बाद वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। दैट डज मीन कि आपका हर एक महीने का इंटरेस्ट पर जो है इंटरेस्ट मिलेगा, दैट मीन्स कि कंपाउंड होगा। तो मैच्योरिटी के बाद ये ऑटो इन्वेस्ट करने का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को देता है। अदरवाइज अगर आप ऑटो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते हैं तो मैच्योरिटी के बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट एंड रिटर्न्स एक ही साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। करंटली इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो 1.6 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स इनका मानना है, इनकी वेबसाइट पर ये बताया गया है। टोटल अभी तक 2200 करोड़ रुपए डिसबर्स्ड कर चुके हैं ये 13 कैरेट, और करेंटली ये 1200 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि AUM मैनेज करते हैं। सो ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं। इसके पीछे का मेजर रीज़न ये भी है पॉपुलैरिटी फॉर P2P लैंडिंग इन इंडिया। करेंटली अगर देखिए तो बहुत सारे लोग एक स्टेबल रिटर्न्स के लिए ना P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अभी तक यही देखा गया है कि लोगों को कुछ खास लॉस नहीं हुआ है। सो ये एक प्लस पॉइंट भी है, बट हाँ ये रिस्की तब बन जाता है जब हाई रिटर्न्स के लिए आप कहीं भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज इस P2P लैंडिंग या फिर 12-18% के रिटर्न्स को लेकर के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशन भी आ चुके हैं मार्केट में, जो कि आपको एक गारंटेड रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए आपको हमेशा
सजेशन देती रहती हैं या फिर एडवर्टाइज करती रहती हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 13 कैरेट वन ऑफ द सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 13 कैरेट को भी मार्केट में आए हुए अराउंड 6 to 1 ईयर के आसपास, 6 मंथ to 1 ईयर के आसपास हो चुका है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक लोवेस्ट अमाउंट दैट इज़ अराउंड 1000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो अब तक सभी लोगों को जो भी 13 कैरेट से इन्वेस्ट किए थे रिटर्न्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो 13 कैरेट कैन बी द अदर ऑप्शन फॉर योर इन्वेस्टमेंट। सेकेंडली पी टू पी लैंडिंग प्लेटफॉर्म में भी ना आपका पैसा डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से इन्वेस्ट होना चाहिए ताकि आपका रिस्क कम से कम हो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 13 कैरेट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है जिसके थ्रू से आप जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। किसी टाइप की कोई क्वारी हो, अगर आपको किसी ऑथेंटिक पी टू पी लैंडिंग प्लेटफॉर्म या फिर ऑथेंटिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना हो या फिर ऑप्शंस के बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बता दूं कि रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स हमें आ रहे हैं कुछ ऐसे वेबसाइट्स को रिव्यू करने के लिए जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बट बता दूं कि अगर मैं ऐसे वेबसाइट्स को रिव्यू कर देता हूं तो शायद आप ट्राई करने के लिए भी अगर उनके वेबसाइट पर जाते हैं इन्वेस्ट करते हो तो अगर आपको लॉस हो सकता है, दैट्स वाई मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कवर नहीं करने वाला हूँ। सेकेंडली आप यहाँ पर जो व्यू देख रहे हो, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, काफ़ी लंबे समय के लिए बाहर ही रहने वाला हूँ, तो शायद आपको कुछ समय के लिए ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे। दैट्स ऑल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।